गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्ड में पढ़ेंगे कि वर्ड टेक की टेबल कैसे इंसर्ट करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट में, और उसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। वर्किंग विथ टेबल, टेबल के साथ हम लोग कैसे काम करेंगे, इसके अंदर हम लोग आज सीखेंगे टेबल क्रिएट करना, रो और कॉलम ऐड करना, सेल को मर्ज करना, टेबल को स्प्लिट करना, सेल को स्प्लिट करना और टेबल का स्टाइल इंसर्ट करना। क्रिएटिंग ए टेबल, अ टेबल इज़ ए ग्रिड ऑफ सेल अरेंज इन रो और कॉलम। टेबल कैन बी कस्टमाइज एंड आर यूजफुल टू वेरियस टास्क सच एज प्रेजेंटिंग टेक्स्ट इंफॉर्मेशन एंड न्यूमेरिकल डेटा। टेबल, अब हम लोग सीखेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। टेबल क्या है? टेबल सेल का एक ग्रिड है जो रो और कॉलम के रूप में अरेंज रहता है, और टेबल का यूज़ हम लोग बहुत सारे काम को करने के लिए, अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली हम लोग टेबल का यूज़ करते हैं। अब ब्लैंक टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए जहाँ पे हमको क्रिएट करना है अपने डॉक्यूमेंट में, जहाँ पर हमको क्रिएट करना है वहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर इंसर्ट में जाएंगे और फिर टेबल पर क्लिक करेंगे। जितने रो और जितना कॉलम हमको चाहिए वो सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो टेबल अपीयर हो जाएगा। फिर है कि कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू ए टेबल, हम अगर कुछ लिखे हैं उसको टेबल में इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी वही जो लिखे हैं उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे वही इंसर्ट में, फिर टेबल पे, और उसको जितना रो जितने कॉलम मिले ना उतना उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो वो जो हमारा टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा टेबल में। एडिंग रो और कॉलम, प्लेस द इंसर्शन पॉइंट इन द रो बिलो द लोकेशन वेयर यू वॉन्ट टू ऐड अ रो, राइट क्लिक द माउस, मेन्यू अपीयर, सेलेक्ट इंसर्ट रो अबव, सम प्रोसीजर टू फॉलो टू ऐड कॉलम डिलीटिंग और रो कॉलम। अब है कि रो और कॉलम को या रो और कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इसके लिए जहाँ पर हम अपने टेबल में रो और कॉलम ऐड करना है वहाँ पे माउस ले जाके क्लिक करेंगे, फिर वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, वहाँ राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने से एक ऑप्शन आएगा कि इंसर्ट रो एवव और बिलो जो भी, तो अगर हम एवव करना चाहते हैं तो एवव सेलेक्ट कर लेंगे तो जो हमारा टेबल है उसके ऊपर हमारा रो इंसर्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर हम किसी रो को किसी कोई कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो वैसे ही कॉलम के पास जाके क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करने के बाद वही आएगा इंसर्ट रो कॉलम, तो लेफ़्ट और राइट जहाँ भी हम वो सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारा लेफ्ट, अगर हम राइट सेलेक्ट किए तो राइट साइड एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। डिलीट करना है तो वैसे ही उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर आएगा अगर रो डिलीट करना है तो रो सेलेक्ट कर लेंगे, अगर कॉलम डिलीट कॉलम सेलेक्ट कर राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ आएगा डिलीट रो और कॉलम। मर्ज टेबल, अब है कि मर्ज टेबल सेल, अगर हमको दो सेल को मर्ज करना है टेबल में तो कैसे करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउ मार्जिन टू और मोर सेल टू क्रिएट वन लार्ज सेल, यू वुड बी फ्रिक्वेंटली नीड टू मर्ज कॉलम और रो टू क्रिएट टाइटल ऑफ द टेबल, वंस मर्ज यू कैन क्रिएट इट हेडर फॉर ए टेबल। अब हम सेल को कैसे मर्ज करेंगे, इसके लिए हम वर्ड में दो या दो से ज़्यादा सेल को भी एक साथ मर्ज करके एक बना सकते हैं, तो इसके लिए हमको जितने सेल को मर्ज करना यानी एक बनाना है उस सबको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर या तो राइट क्लिक में जाके मर्ज सेल करेंगे या फिर वही क्या बोलते हैं टेबल ऑप्शन में एक डिज़ाइन ऑप्शन आता है उसमें मर्ज सेल आता है और जैसे आपको दिखाया गया है उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा वो जितने भी हम सेल को सेलेक्ट किए हैं वो मर्ज होकर एक सेल बन जाएगा। अगला ऑप्शन है कि टेबल को स्प्लिट कैसे करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउ स्प्लिटिंग ए टेबल इनटू मल्टीपल टेबल, सिंगल ऑप्शन का डिवाइड इनटू ए टेबल इनटू टू टेबल, ब्रिंग योर माउस पॉइंटर पोजीशन एनीवेयर इन द रो शुड अपीयर एट द एज द फर्स्ट रो ऑफ द न्यू टेबल आफ्टर स्प्लिटिंग। अब हमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑप्शन है कि हम एक टेबल को स्प्लिट करके मल्टीपल टेबल बना सकते हैं, इसके लिए जहाँ से हमको टेबल को स्प्लिट करना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर वही डिज़ाइन ऑप्शन में जाके स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे तो टेबल हमारा जो है वो स्प्लिट होके दो नया टेबल, मतलब दो टेबल में स्प्लिट हो जाएगा। अगला है स्प्लिट सेल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउ स्प्लिटिंग ए सेल इनटू मल्टीपल सेल,
Bring your mouse pointer position inside a cell you want to divide into multiple cell. Now click the layout tab, then click the split cell button. हम सेल को भी स्प्लिट कर सकते हैं, उसको भी मल्टीपल, एक सेल को मल्टीपल सेल बना सकते हैं. इसके लिए भी जिस सेल को मल्टीपल सेल बनाना उस सेल में क्लिक करेंगे, फिर स्प्लिट सेल में जाएंगे. और जैसा आपको दिख रहा होगा स्प्लिट सेल में जाने नहीं मतलब हम उसके बाद फिर आपका वही लेआउट टैब में जाएंगे. लेआउट टैब में फिर एक स्प्लिट सेल ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो हम जैसा आपको दिखाई दे रहा है फिर वो क्या होगा कि टेबल ये सेल हमारा स्प्लिट हो जाएगा. अगला ऑप्शन है कि टेबल को स्प्लिट कैसे करेंगे. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउ स्प्लिटिंग ए टेबल इंटू मल्टीपल टेबल. सिंगल ऑप्शन का डिवाइड इंटू ए टेबल इंटू टू टेबल. ब्रिंग योर माउस पॉइंटर पोजिशन एनी वेयर इन द रो शुड अपियर एट द एज द फर्स्ट रो ऑफ द न्यू टेबल आफ्टर स्प्लिटिंग. अब हमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑप्शन है कि हम एक टेबल को स्प्लिट करके मल्टीपल टेबल बना सकते हैं. इसके लिए जहाँ से हमको टेबल को स्प्लिट करना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर वही डिज़ाइन ऑप्शन में जाके स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे तो टेबल हमारा जो है वो स्प्लिट होके दो नया टेबल मतलब दो टेबल में स्प्लिट हो जाएगा. अगला है टेबल स्टाइल. क्लिक एनीवेयर ऑन द टेबल द डिज़ाइन टैब विल अपेयर. सेलेक्ट द डिज़ाइन टैब एंड लोकेट द टेबल स्टाइल. टू चेंज द स्टाइल ऑप्शन फ्रॉम द डिज़ाइन टैब चेक और अनचेक द डिज़ायर ऑप्शन इन द टेबल स्टाइल ऑप्शन ग्रुप. टू ऐड बॉर्डर फ्रॉम द डिज़ाइन टैब सेलेक्ट द डिज़ायर लाइन स्टाइल लाइन वेट पेन कलर etc. अब हम टेबल में का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं. इसके लिए जब हम टेबल पर क्लिक करेंगे तो एक हमारा डिज़ाइन टैब अपीयर हो जाएगा. डिज़ाइन टैब पे टेबल स्टाइल पे क्लिक करेंगे. टेबल स्टाइल पे डिज़ाइन टैब में टेबल स्टाइल आएगा. उस पर जब क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारा टेबल का डिज़ाइन प्रीलोडेड है, जो हमको चाहिए उस पर उसको सेलेक्ट कर लेंगे. इसी तरह हम अपने टेबल का बॉर्डर ठीक कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं और बहुत कुछ है डिफरेंट. इसमें हम टेबल के साथ हम एक्सपेरिमेंट कर मतलब टेबल के डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं. थैंक यू.